हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को मेरा सलाम। आज हम आपको मशीन का जो मोटर वाली सिलाई मशीन होती है ना, ये वाली मोटर लगी हुई है, सिलाई मशीन होती है जो आमतौर में हर घर में इस्तेमाल होती है, तो इसका ये बेल्ट टूटा हुआ है। तो आज हम इसका जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट आपको रिप्लेस करने का आसान तरीका बताएंगे कि कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो अपनी सिलाई मशीन लेके कारीगर के पास चले जाते हैं बेल्ट चेंज करवाने के लिए। तो आपको हम बताएंगे कि ये जो बेल्ट है बहुत ही आसान है इसको चेंज करना, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपका 2 मिनट का काम है, आप इसको घर में ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कहीं पे भी कोई पेच वगैरह या कोई ऐसा स्क्रोल नहीं है जिसको हम प्रेस करके खोल सकें। तो दोस्तों, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टील का ये जो व्हील है, इसके अंदर एक आपको सुराख भी दिखाई दे रहा है, आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है और इसको फिर आपने मूव करना है। प्रेस कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपके पास 2 तरह के पेचकस होने चाहिए और एक थोड़ी होनी चाहिए, ये थोड़ी होनी चाहिए और ये आपके पास पेचकस होना चाहिए, और ये एक मुंह वाला पेचकस है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ऐसे यहाँ पे ये सुराख आपको दिखाई दे रही है अंदर वाली साइड पे, ये सुराख आपने यहाँ व्हील में से पेचकस को गुजार के इस सुराख के अंदर ऐसे लगा देने हैं। इस सुराख के अंदर लगाने के बाद बस ये आपने लगा के ये पेचकस आपने लेना है। इस तरह आपने इसको हल्का सा ऐसे ठोकर लगानी है। ये आपका आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद आपने इसको निकाल लेना है, और ये आपने इसकी ये लॉक होता है, ये लॉक आपने देखना है कि किस तरफ लगेगा। इसको आपने ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद आप 2 बेल्ट डाल लें, अगर एक बेल्ट आपका टूट जाए तो आपको बार बार खोलना ना पड़े, आप एक बेल्ट डाल के इसको इधर लगा लें और ये इसका दूसरा बेल्ट भी आप इधर डाल लें। ये 2 बेल्ट की दोनों साइडें एक जैसी होती हैं, जिस साइड से आप मर्जी डाल लें आप इसको ऐसे डाल लें। दोनों बेल्ट आपने डाल लिए, डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको व्हील को दोबारा लगाना है, इसको व्हील को ऐसे लगा के अंदर, और आपने ये लॉक ऐसे लगा देना है, ये लॉक ऐसे लगा लेना है ऐसे, ये लॉक होता है, ये लॉक आपने लगाना है ऐसे, ये इसके कट दिए हुए। उसके बाद आपने इसी स्टील वाले पेच को इसके ऊपर बंद कर देना है, इसको ऐसे बंद कर देना, और आपने दोबारा ये पेचकस यहाँ पे लगा के और उसके बाद आप ये आपने लगाने के बाद आपने इसको दोबारा उसी तरह यहाँ से टाइट कर लिया। ये अभी हमने बेल्ट लगा दिया इसका, ये आपका बेल्ट लगा दिया, ये यहाँ पे मशीन आपकी वर्क करेगी, ठीक है। ये आपका बेल्ट लग गया।
अच्छा दोस्तों ये होता है इसका आसान तरीका बेल्ट डालने का। ये हमने एक बेल्ट इसका लगा दिया है, फिट कर दिया बिल्कुल। ये देखिए नीचे से ये इसका व्हील घूम रहा है, और ये दूसरा एक्स्ट्रा बेल्ट हमने इसके अंदर लगा के रखा हुआ है, ताकि जब अगर ये हमारा एक टूट जाए तो फिर हम दूसरा इसका रिप्लेस कर सकें। ये देखिए यहाँ पर वर्क कर रही है, ये देखिए काम कर रही है। तो ये होता है दोस्तों इसका आसान तरीका, इसको ठीक करने का, रिपेयर करने का, इसका बेल्ट डालने का तरीका, जो हमने आपको समझा दिया और बता भी दिया है। तो दोस्तों अभी हमें इजाज़त दें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, थैंक यू, शुक्रिया।